छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जिस पाठ को देखने वाले हैं उसका नाम है मंत्र तंत्र। देखिए, इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यह जो मंत्र तंत्र है, इसमें एक युवक है। जो युवक अपने स्वभाव से पूरे गांव का विकास करता है, अपने गांव का काया पायलट करता है। किस तरह से करता है, इस पाठ के द्वारा हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इस पाठ को। जीवन को सुखद एवं श्रेष्ठ बनाने के लिए अहिंसा, नैतिकता, सदाचरण, परिश्रमशीलता एवं सहकारी भाव जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। अगर हमें अपना जीवन सुखद बनाना है और श्रेष्ठ बनाना है, समाज में हमें श्रेष्ठ बनना है, तो हमारे पास अहिंसा, नैतिकता, सदाचरण और परिश्रमशीलता ऐसे भाव अपने में होने बहुत जरूरी हैं। तो इनसे बड़ा कोई मंत्र तंत्र नहीं है। अगर ये भाव हमारे अंदर हैं, तो इनसे बड़ा कोई मंत्र तंत्र हो ही नहीं सकता। हम अपने समाज में श्रेष्ठ बन पाएंगे, हम अपने जीवन में सुखी बन पाएंगे, अगर ऐसे गुण हमारे अंदर हो। तो हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए? अहिंसा, नैतिकता, सदाचरण और परिश्रमशीलता। ये सभी भाव इस पाठ के द्वारा हम देखेंगे। एक व्यक्ति के रूप में, एक युवक के रूप में, जो समाज में बहुत ही प्रामाणिक है और उसके गुणों के कारण उसने उस गांव को किस तरह से बदला है, इसके बारे में जानकारी इस पाठ के द्वारा हम लेंगे। तो चलो देखते हैं। बहुत दिनों की बात है, एक राजा के राज्य में किसी व्यक्ति को एक पुत्र हुआ। बहुत दिनों की बात है, एक राजा के राज्य में किसी व्यक्ति को एक पुत्र हुआ। माता पिता ने उसका नाम कुमार रखा। बड़ा होकर कुमार बहुत अच्छा व्यक्ति बना। कभी जीव हत्या नहीं करता, दूसरे की चीज न लेता, झूठ नहीं बोलता, कोई नशा नहीं करता और दूसरों की स्त्री को माँ के समान समझता। देखिए, एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या है? कुमार। और यह कुमार आगे चलकर एक अच्छा व्यक्ति बना और जिसमें जीव हत्या वो नहीं करता, दूसरे की चीज़ को नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता, कोई नशा भी नहीं करता और दूसरों की स्त्री को माँ के समान समझता। ये सभी गुण उसमें थे, ऐसा यह अच्छा व्यक्ति था। तो देखिए आगे क्या होता है। कुमार जिस गांव में रहता था वह बहुत छोटा गांव था। उसमें केवल 30 लोगों के घर थे। एक दिन 30 घरों के लोगों को किसी काम से एक जगह मिलना था। 30 घर थे वहाँ पर उस गांव में। उन 30 घरों के लोगों को एक जगह पर मिलना था किसी काम की वजह से, पर गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ सभी एकत्र हो सके। कुमार उन 30 में से एक था। देखिए, गांव में जो 30 लोग थे, 30 लोगों का गांव था और इस 30 लोगों में कुमार भी एक ऐसा व्यक्ति था, उस गांव में रहता था। सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने एक स्थान को धूल मिट्टी हटाकर साफ कर दिया। देखिए, 30 व्यक्ति थे और 30 व्यक्ति में से एक कुमार ही ऐसा व्यक्ति था जो काम करने के लिए आगे आ गया है। उसने क्या किया, सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने एक स्थान को धूल मिट्टी हटाकर साफ कर दिया। उस स्थान के साफ होते ही एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। देखिए, अब ये जो जगह है वो साफ किसने की? कुमार ने की। और वहां आकर कौन खड़ा हुआ? दूसरा व्यक्ति वहां आकर खड़ा हो गया। कुमार उससे कुछ न कहकर दूसरी जगह साफ करने लगा। देखिए, अगर वो चाहता तो वो झगड़ा करता, पर उसने झगड़ा नहीं किया। उसने क्या किया, दूसरी जगह साफ करने के लिए लिया। दूसरी जगह कुमार उससे कुछ न कहकर दूसरी जगह साफ करने लगा। इसके साफ होने पर एक और आदमी आधमका। देखिए, उसने पहली जगह साफ कर दी तो पहला एक आदमी वहां पर आकर खड़ा हुआ। उसने उससे कुछ न कहकर दूसरी जगह साफ करने के लिए ली तो दूसरा आदमी वहां पर आकर खड़ा हो गया। इस तरह एक एक जगह साफ करते करते वह एक एक आदमी के लिए स्थान बनाता गया और अंत में सबके लिए स्थान बना दिया। देखिए, वो जो पूरी जगह थी
साफ सुथरी नहीं थी, बहुत ही कचरा हुआ था, उसमें गंदी जगह थी, और उस गंदी जगह को उसने क्या किया, साफ कर दिया। बाद में जिसका जो काम था कर करा के उन्होंने वहाँ एक चबूतरा तैयार किया। वहाँ वे समय समय पर आते, बैठते उठते तथा बातचीत और आमोद प्रमोद करते। गांव में कोई नया व्यक्ति आता तो वह भी वही जाता था। इस तरह उनके दिन व्यतीत होने लगे, देखिए पूरा गांव काम में लगने लगा। अपना काम करके वो क्या किया, उन्होंने एक जगह पर चबूतरा कर दिया, जहाँ पर कुमार ने साफ कर दिया था सभी लोगों के लिए जगह, उस जगह पर उन्होंने चबूतरा तैयार किया। वहाँ पर समय समय पर लोग जाते, उठते, बैठते और वहाँ पर बातचीत करते, आमोद प्रमोद करते। गांव में कोई नया व्यक्ति आता तो वह भी वहीं पर पूछने के लिए जाता, किसी का पता चाहिए, कोई काम है, तो काम की वजह से लोग वहाँ पर बैठे हैं उन लोगों के पास गांव का नया व्यक्ति आ जाता था। इस तरह उनके दिन बीतने लगे थे, व्यतीत होते होने लगे। कुछ दिन बाद वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा घर बना लिया और उसमें बैठने के लिए चटाई आदि जरूरी चीज़ों का संग्रह भी धीरे धीरे कर लिया। इस तरह वे वहाँ समयानुसार आते, बातचीत और आमोद प्रमोद करते। देखते ही देखते वे सभी उसके आदि हो गए। आदि होना यानी उसकी उसकी आदत लग गई उनको। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, घर बना लिया और चटाई, कुछ चीज़ें चाहिए वो उन्होंने खरीद ली और वहीं पर वो संग्रह करके रख दिए। उसके बाद देखिए जो भी गांव की समस्या है वो वहीं जाकर वो छुड़ाते थे, उसी घर में जाकर वो छुड़ाते थे। वहाँ पूरा गांव इकट्ठा होता था, वहीं बैठकर वो आमोद प्रमोद करते, बातचीत करते और गांव की समस्या छुड़ाने का काम करते थे। इसकी आदत उस गांव को लग गई। खूब तड़के उठकर वे अपने अपने घर के कामकाज कर लेते। देखिए बहुत सुबह उठकर वह अपने घर के पहले कामकाज कर लेते थे, फिर अपना खुरपा, हंसुआ, कुदाल लेकर घर से बाहर निकलते और चौराहे पर या और कहीं अगर काट पत्थर रहता तो हटा देते। देखिए यहाँ पर हंसुआ का मतलब है फसल काटने का लोहे का औजार, फसल काटने का जो औजार रहता है लोहे का, उसे ही हंसुआ कहते हैं। खूब तड़के उठकर वे अपने अपने घर के कामकाज कर लेते, फिर अपना खुरपा, हंसुआ, कुदाल लेकर घर से बाहर निकलते और चौराहे पर या और कहीं अगर काट पत्थर रहता तो हटा देते। गांव में कोई ऐसा काम नहीं रहता था, सब काम ये गांव के लोग पूरे कर लेते थे। कोई भी पत्थर बीच में है तो उसे हटाने का काम करते थे, कोई भी जहाँ पर कचरा है वो कचरा साफ करने का काम करते थे। अपने हथियार लेकर वो उस स्थान पर पहुंचकर अपना काम करते थे। गाड़ी या आदमी के जाने में यदि किसी अड़चन की संभावना होती तो उसे काटकर फेंक देते या हटा देते। देखिए जहाँ पर गाड़ी जाने के लिए अड़चन है, कुछ समस्या है, तो उस समस्या को दूर कर देते, वहाँ पर अच्छा रास्ता बना देते थे और वो गाड़ी आसानी से चली जाए ऐसा रास्ता बनाते थे। वो ये सब मिलजुल कर करते। ये किसके कारण हुआ, कुमार के कारण। इसके पहले गांव आलसी था, कुछ भी करने के लिए राजी नहीं था, गांव इकट्ठा नहीं आता था, पर इस कुमार के कारण गांव इकट्ठा आया और गांव के जो समस्या थी गांव में उसे छुड़ाने में पूरा गांव सहयोग देने लगा। गाड़ी या आदमी के जाने में यदि किसी अड़चन की संभावना होती तो उसे काटकर फेंक देते या उसे हटा देते, ऊंची नीची जगहों को समान कर देते। देखिए रास्ते में जितनी भी ऊंची नीची जगह है उसे समान कर देते, जरूरत होने पर पुल बांध देते, नदी पर पुल बांधना हो तो वो भी काम वो कर देते, तालाब खोद लेते और जिससे जो हो सकता था दान करता था। देखिए अमीर व्यक्ति हैं तो क्या करता था, दान करने का काम करता, पैसे चाहिए तो पैसे दे देता, किसी को कुछ धान चाहिए तो धान दे देता, मतलब ऐसे सभी एक दूसरे को मदद करने लगे थे।
कुमार के गुण से इस गांव के सभी लोग कर्मशील और सदाचारी हो गए। इस तरह से कुमार का गुण कैसा था, वो शराब नहीं पीता था, दूसरों के स्त्री को माँ के समान समझता था, जीव हत्या नहीं करता था, दूसरों की चीज कभी भी नहीं लेता था और झूठ नहीं बोलता था। उसके ये गुण के कारण सभी गांव वाले उसे श्रेष्ठ मानने लगे थे, उसका आदर करते थे और उसकी बातें वो सुनते थे। इसी कारण पूरे गांव का गांव बदल गया था, एक दूसरे को मदद करने लगा था और कुमार के गुण से इस गांव के सभी लोग कर्मशील और सदाचारी हो गए थे। देखिए, एक व्यक्ति पूरे गांव को बदल सकता है, उसी कुमार की तरह हमें भी क्या करना चाहिए, अपने में सुधार करना चाहिए, अपने में ऐसे गुण लाने चाहिए जिसके कारण दूसरों का भला हो। ऐसे अगर हमारे गुण हो तो हम भी अपने समाज में श्रेष्ठ बन सकेंगे, अपने जीवन में हम सुखी बन पाएंगे। तो आज हम इतना ही देखते हैं, इसके आगे का जो हिस्सा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जितना भी हुआ है उतना आपको पढ़ना है।